आज हम बनाएंगे कोकोनट राइस। हाई फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें एक टेबलस्पून तेल और एक टेबलस्पून घी डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर करेंगे। अब इसमें आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून चना दाल, आधा टीस्पून उड़द दाल और आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। आपको पसंद हो तो आप इसमें एक टीस्पून ग्रेटेड अदरक भी डाल सकते हैं। थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें पाव टीस्पून हींग, तीन लाल मिर्च, तीन हरी मिर्च और पाव कप काजू डालकर मिक्स करेंगे। काजू की जगह पर आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। दो टेबलस्पून करी पत्ते डालेंगे। एक टीस्पून नमक, एक कप कच्चा कद्दूकस किया नारियल और पाव कप हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करेंगे, एक मिनट पका लेंगे। एक मिनट हो गया है, इसमें तीन कप पके चावल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लेफ्ट ओवर राइस भी यूज कर सकते हैं। ये कोकोनट राइस आप ऐसे ही या कुर्मा, चटनी, सांबार के साथ खा सकते हैं। लीड लगाकर दो मिनट पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेस्टी कोकोनट राइस रेडी है।